सूरज ने कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं था और उसने रियलाइज़ किया, इसलिए सॉरी बोला। और फिर चकोर ने रियलाइज़ किया कि उससे भी गलती हुई थी, उसने सूरज से बात कर लेनी चाहिए थी एक बार इस मामले में, जो उसने नहीं की थी और खुद डिसाइड कर लिया था, तो उसने भी सॉरी बोला। चकोर अभी भी नाराज़ है या फिर माफ़ कर दिया सूरज को? मैंने इंस्टेंटली माफ़ कर दिया था और सूरज ने भी इंस्टेंटली माफ़ कर दिया था। हाँ, मतलब सूरज ने जिस बात पे गुस्सा किया था वो उसने रियलाइज़ किया कि चकोर कैन हैंडल बोथ द थिंग्स, वो बच्चे को भी हैंडल कर सकती है, काम भी हैंडल कर सकती है। तो उसने खुद जाके माफ़ी मांगी इस बारे में। और जहाँ तक चकोर की माफ़ी मांगने की बात है, तो उसे तो वैसे मांगनी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी उसने मांगी, वो उसका बड़प्पन है। अभी प्रोजेक्ट में दोनों को साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूरज का ऑफिस जाना ही मतलब कंपनी के नाम पे धब्बा ला सकता है। तो उसे दूर रहने के लिए करण ने भी कहा है और उसने अग्री भी किया है कि ही इज़ राइट। वो सिर्फ चक्कर को ऑफिस छोड़ने आया था। और अब से वो ऑफिस छोड़ने भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ऑफिस के आसपास नहीं होना चाहिए। चक्कर को मनाने के लिए सूरज खाना वाना भी बना रही किचन में। मनाने तो वो नहीं, एक्चुअली उसे ऐसा लगा कि वो सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, सानवी का, उसकी मम्मी का, वो भूल जाएगी, अपना ख्याल नहीं रखेगी, इसलिए उसने उसके लिए खाना पैक कर दिया था ताकि वो छोड़ के ना चली जाए। चकोर कितनी इम्प्रेस्ड है ये? नहीं, सूरज हमेशा चकोर के लिए इतने स्वीट स्वीट चीज़ें करता है, हमेशा एक स्टेप आगे जाकर। तो चकोर इसीलिए हमेशा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहती है सूरज से। और और हाँ, तो ये सीन्स लोगों को घरों में पसंद आएंगे। हाँ, मतलब लोगों को सीखना चाहिए कि आपको कैसे सपोर्टिव होना चाहिए, तो सूरज वो सिखा रहा है। देखिए उड़ान, अच्छे अच्छे सीन्स है, देर आर नाइस नाइस सीन्स, फैमिली सीन्स एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, सो कीप वॉचिंग उड़ान।